लास्ट इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन में हम कांग्रेस के तरफ से चुनाव लड़ने को आए थे। उस समय भूभागरा ने हमें बोला कि हाँ हमारे लोगों के लिए कुछ करना है, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम आपके बीच में आए। दुख की ये बात है कि आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट का जो नया दल बना है उसने हमको और डिवाइड करने के लिए एक षड्यंत्र चुना हुआ है। आपको पता है, आपके बीच में हम देख सकते हैं हमारे सब लोग हैं, हमारे पिपरासा लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज से माइनॉरिटीज हमारे बीच में। माता जी है सामने में, बहुत खुशी हो रही है आपके पास में है सामने में, उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं नमस्कार कि आप इतने गर्मी में आप लोग यहाँ आए हम लोगों की कुछ बातें तो सुनने के लिए। तो हम भी आपको ये आश्वासन देने को आए हैं कि आगे जो कुछ होगा अच्छा होगा, अगर आप 26 तारीख को सही कैंडिडेट को वोट देते हैं। आपका वोट बहुत कीमती है। इस बार सबको पता है कि कौन केंद्र में आने वाला है। आपने ये भी देखा है कि टिपरा माथा ने बहुत काम किया है हमारे लोगों के लिए। इसमें हम लोगों ने जात पात धर्म कुछ नहीं देखा। जो ब्लू रीसेटलमेंट का जो अकॉर्ड हुआ था वो अभी एक सत्य चीज हो गया। खुद हम गए थे उस जगह में देखने के लिए, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। हर चीज को समय लगता है पर होगा। अभी जो है दूसरा अकॉर्ड अभी बना हुआ है जो श्री अमित जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने वादा किया है, हमारी प्रधानमंत्री ने वादा किया है, ये भी एक बहुत हिस्टोरिकल अकॉर्ड है। इससे हमें डायरेक्ट फंडिंग मिलेगी और ये डायरेक्ट फंड से हमारे पूरे ईस्ट त्रिपुरा को हम डेवलप कर सकते हैं। अभी तक बहुत कुछ कम आ रहा था हमारे पास, पर अभी हमारे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे कि ये भी हम लोगों ने सुना कि जो कम्युनिस्ट ने बहुत सालों तक महाराजाओं के विरुद्ध में बात किया, सिर्फ महाराजा ने जो भी लोग सत्य के रास्ते में चलने चाहते थे उन्होंने ये कोशिश की कि उसे दबा कर रखे हमेशा। इसीलिए एजुकेशन में जो पढ़ाई होती थी पहले उसमें त्रिपुरा का हिस्ट्री जो था वो था, उसको भी उन्होंने खत्म करके रोक दिया। बहुत कुछ को उन्होंने चेंज कर दिया, कहानी को चेंज करके हमारे विरुद्ध किए लोगों को। आज हम देखते हैं और इसके लिए हम धन्यवाद भी कहना चाहते हैं बीजेपी को और जो लोग हमारे साथ हैं और खास करके त्रिपुरा वासियों को कि हमारे राजाओं को और हमारे लोगों को वो जो रिस्पेक्ट मिलना था, जो आदर मिलना था वो आज आके मिल रहा है। इसीलिए हम ये चाहते हैं, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत लोग हैं अभी भी, हम खुशी हो रहे हैं बोलने के लिए कि आज सब हम यूनाइटेड हैं, हमारे अंदर खालसा है, तभी हम लोग जाकर आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों ने ऐसा भी स्टार्ट कर लिया है लोगों को गलत बात बोल के CAA के बारे में या धर्म के नाम में, पर ये कुछ हमारे यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि हम उस शेड्यूल में है ही। हमारे एक अलग ही एरिया है, हमारे इंडिजिनस पीपल के कस्टम्स राइट्स रिलीजियस एंड अदर राइट्स लैंड राइट ये सब हमको मिलके रहेगा। तो जो लोग दूसरा कुछ बोलते हैं वो लोग सिर्फ जहर भरना चाहते हैं आपके बीच में। जहर भरने से कुछ नहीं होने वाला, हम लोग टूट जाएंगे और ये मौका नहीं है, ये मौका है हम सबको एक साथ मिलजुल के लड़ाई करना है। और 26 तारीख को आपका कीमती वोट महारानी कृति सिंह देव बर्मन को दीजिए जो कि हमारे ही लोग हैं, महाराज बी विक्रम के फैमिली मेंबर्स और महाराज अतिरिक्त विक्रम और महारानी बीबी कुमारी देवी ने भी आपके लिए बहुत काम किया था। तो ये आप याद रखिए कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे।